छह नंबर क्या है? सूर्य का एक नंबर क्या कहता है? मैं, वो ईगो वाला मैं है। शुक्र का जो छह नंबर है ये भी मैं कहता है, पर ये मैं ईगो वाली नहीं है, कहता पहला मैं अपना पेट भर लूं फिर किसी और का भरूंगा। यहां पहला खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, खुद की तृप्ति के लिए होता है। तो छह नंबर वाले व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं। जितने अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं वो छह नंबर के साथ कनेक्टेड हैं। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो आर्टिस्ट, और अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छा हुनर रखना चाहते हो, तो छह नंबर की वाइब्रेशंस जो है वो एक्टिव रखनी पड़ेगी, वरना बात नहीं बनेगी। तो छह नंबर वाला व्यक्ति क्या है? वो जीवन को डिफाइन करता है बड़ी खूबसूरती से। उसके लिए जीवन की परिभाषा क्या है? वो श्रुतियां, वो शिल्पकार, शिल्पकार जो होता है वो क्या करता है, एक किसी मूर्ति को ना घड़ता है। तो छह नंबर वाले भी अपने जीवन को ना छोटे 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 फेजेस में ना उसको नर्चर करते हैं। उनको मैन्यूटली किसी काम को करना और उसको अच्छे से करना उनको पसंद होता है। अक्सर ऐसे लोग सफाई पसंद होते हैं, मतलब इनको हर चीज सलीके से चाहिए। और छह नंबर की अपनी प्रवृत्ति क्या है? दैत्य गुरु की, क्योंकि पहले मेरी फुलफिलमेंट पर इसका ज्यादा ध्यान है कि मेरी फुलफिलमेंट तो बाबू चाहिए ना मेरे को, तू जैसा भी है मेरे को मेरी फुलफिलमेंट चाहिए, पहले मैं खुद का करूंगा फिर तेरा करूंगा, मैं पहले तेरा क्यों करूं। और छह नंबर की दिशा कौन सी है, वास्तु डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट, यानी कि मैं पहले अपना करूं, और इसका विरोधी कौन हो गया? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि दो नंबर, जो कहता है कि मेरा मन नहीं मान रहा, वो कहता है भाई तेरे मन को क्या करूं, पहले मेरा हो, मेरा तो पेट भरे। ये जो जहाज में चढ़ते हो, जब उसमें बताया जाता है कि औरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें, ये वो वाले व्यक्ति हैं कि सहायता सबकी करने को रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें परेशानी नहीं है, पहले कहते हैं मेरे पैर पक्के होंगे तब सहायता करूंगा, ये तेरे को खाई से खींचते खींचते खुद ना गिर जाऊं, ये अपने आप को पक्का करके फिर किसी के लिए भी खड़े हैं। इनके लिए ये फर्क नहीं है कि मैं किसी की सहायता क्यों करूं, इनके लिए वो उत्तर नहीं है। ये कहते हैं कि ठीक है सहायता करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों की मदद करने से पहले खुद की करो फिर दूसरों की करो। इसलिए मैं कहता हूं कि शुक्र आज के इस युग में बुरा नहीं है, पहले खुद को तो पूरा कर लो फिर दूसरों को कर लेना, जो आप उसको किसी को देना चाहते हो वो दे देना, देते रहना। ये अपने आप को जितना निखार के रखेंगे, जितना अपने शरीर को साफ रखेंगे, उतना अच्छा है इनके लिए। नाखून जब बढ़ जाते हैं तो शुक्रपन खत्म होना शुरू होता है, मतलब लेडीज के लिए नहीं, लेडीज के लिए जब नाखून बढ़ते हैं तो शुक्र ऐड हो रहा है, जेंट्स के लिए जब नाखून बढ़ते हैं तो वो शुक्रपन कम होना शुरू होता है। तो हमेशा अपने शरीर को, अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना, ये शुक्र का एट्रीब्यूट है। तो शुक्र नंबर वाले व्यक्ति हमेशा पाउडर का यूज, परफ्यूम्स का यूज, डिओड्रेंट का यूज, मतलब महक जिससे आती है ना उसका यूज करते हैं, तो शुक्र प्रोमिनेंट होता है। ब्रांडेड कपड़े डालेंगे तो शुक्र का एट्रीब्यूट आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर कॉपी डाल ली तो बुध के हो जाओगे, ब्रांडेड डालोगे तो शुक्र के रहोगे। आईफोन इसीलिए जब सस्ता हुआ था तो बिकना बंद हो गया था, क्योंकि वो कॉमन हो गया था, हर एक के हाथ में रह गया था, हर एक के हाथ में आ गया था, वो शुक्रपन खत्म हो गया था। तो वो जो सलीका है ना, कि एक जो वाव फैक्टर है वो कौन देता है? शुक्र, वीनस, वाव फैक्टर, मतलब चमक तो दिखाएगा एक बारी, चाहे वो हीरा है, पत्थर ही तो है, कीमत कितनी है उसकी, क्या सोने से ज्यादा है? नहीं, पर लोग खर्चते हैं उस पत्थर पर भी खर्चते हैं, क्योंकि आपकी चमक से सामने वाले की आंखें वो चुंधिया जाती हैं।
तो आप जैसे जैसे अपने आप को निखारते जाओगे, अगर आप शुक्र हो तो आपको सेल्फ ग्रूमिंग की बहुत जरूरत है। अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे एज पर योर प्रेजेंटेशन, एज पर योर ड्रेसिंग सेंस, एज पर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो अपने आप की ग्रूमिंग जैसे जैसे करते हो तो शुक्रपन ऐड होता चला जाता है। और शुक्रपन अगर ऐड नहीं है ना, तो बाबा किसी के जीवन में पैसा ज्यादा आने वाला नहीं है। शुक्रपन है तो पैसा है। पहले के जमाने में चले गए, पहले धीरूभाई अंबानी 18 रुपए लेके निकले थे और करोड़ों रुपए कमा लिया, नहीं, आज के टाइम में पैसा ही पैसे को खींचेगा। पैसा लगाओगे तो पैसा आएगा। तो शुक्रपन आपको ऐड करना पड़ेगा, वीनस आपको ऐड करना पड़ेगा।